हम बना रहे हैं मटन चाप, ठीक है। बकरे की चाप लिए हमने 2 किलो और इसको हम फ्राई करेंगे तवे पर, ठीक है। तो बताओ ये जो आज हम ये कर रहे हैं इसके लिए हमने मसाले लिए, ठीक है। 2 चम्मच हमने लाल मिर्च लिए कुटी हुई पिसी हुई, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च और नमक, हसबे जायका, अदरक लहसुन लिया, दही लिया। कम मसालों में इसको मैरिनेट करेंगे और कम मसालों से हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लजीज चाप बनेगी। तो इसको हम इंजॉय करेंगे, खाकर फिर हम बताएंगे सबको कैसी बन गई, ठीक है। हम इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है थोड़ा सा उसको वॉश करेंगे हम और जो है इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। छोटे बकरे की चांपे हैं इसलिए फ़ौरन जल जाएंगे, उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये हमने वॉश कर दी और इसको बॉईल करने के लिए पतीले में डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बॉईल करते वक्त इसमें 1 बॉल पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन में इसको बॉईल कर लेंगे और उसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट में ये बॉईल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब इसमें पानी बॉईल करने के लिए पानी इसमें शामिल कर रहे हैं और जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर रहे हैं, हसबे जायका, टेस्ट कर दिया हमने आज और इसको कवर कर देंगे। ये हमने इसको कवर कर दिया, 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे और मैरिनेट करेंगे मसाले। बिस्मिल्लाह रहमान, ये चांपे सारी बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं और इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, इसके बाद मसाला मैरिनेट करेंगे। अच्छा, ये बॉईल हो गई थी, इसको हमने ठंडा कर दिया। अब जो है हम इसको जो है मैरिनेट करते हैं, ठीक है। तो दही पहले, फर्स्ट दही हमने इसमें ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाह रहमान, दही। अच्छा, अदरक लहसुन बॉईल के वक्त भी डालो, तो इसमें भी हम शामिल कर पाए, ठीक है। 2-2 स्पून अदरक लहसुन से डालो। कुटी हुई जो है लाल मिर्च, सही ब्लैक पेपर, ठीक है, 1-1 टेबल स्पून है, जीरा, धनिया पाउडर कुटा हुआ और जो है ये हमारी हल्दी और रेड चिली पाउडर, ठीक है, ये 2 चम्मच और ये हमने हसबे जायका नमक, ठीक है। अब इसको जरा मैरिनेट कर दो अच्छे से। अच्छा, बिस्मिल्लाह रखना, अब ये तवा गर्म हो चुका है, इस पे तवे में चापे बनाएंगे। तुम्हें पता है ना मुल्तान जब जाता था मुल्तान में ऐसे चापे मिलते थे, आज फ्राई करते हैं किस टाइम पर। बिस्मिल्लाह रखना, आज हम फ्लेम कम करते हैं। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आ रहा है, फाइन कलर आ रहा है, आज तक ये बन जाएगी इंशाल्लाह। तुम इसके जो ना वो बनाओ कुछ जूसेस या चटनी या जो भी होता है उसके साथ बनाओ। बिस्मिल्लाह, थोड़ी
तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्राई हो रही है चापे, और इसको हम स्लो आंच पे बना रहे हैं। तो आप लोग भी जब बनाएं तो इसको स्लो आंच रखिएगा, ताकि जो है वो अच्छे से बन भी जाए और उसका कलर भी फाइन है। वरना तेज आंच पे ये होता है अक्सर कि वो उसका कलर ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी पक जाती है, रेड हो जाती है, ब्लैक हो जाएगी, और वो अंदर से कच्ची रहेगी या हार्ड रहेगी। ऐसे तो हमने इसको बॉइल कर लिया था, लेकिन फिर भी इसको हम हल्की फ्लेम पे बनाएंगे ताकि ये अच्छे से अच्छी बन सके। अब हम इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी, और जो है नींबू नींबू लगा काट कर साइड पे रख देंगे। और ये हो गया इसका सॉस। कैसी बनी? बहुत अच्छी, जबरदस्त। हाँ बहुत अच्छी, मसाला भी बहुत जबरदस्त। बल गई बिल्कुल बिल्कुल खिल गई जबरदस्त।